अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी मौलिमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त स्कूल बंद है मगर तालीम का सिलसिला जारी है और हम टीचर्स नए नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आप और हम तालीम से जुड़े रहें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। हमें हालात से घबराना नहीं है बल्कि उसका हिम्मत से मुकाबला करना है, हिम्मत रखना है, क्योंकि बाहिम्मत कभी हारा नहीं करते। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम समाजियात ये मज़मून पढ़ेंगे। समाजियात में तारीख का मुताला करेंगे। सबक है वैदिक तहजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम और मैं हूं आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। आज हम जमात शशुम समाजियात ये मज़मून पढ़ेंगे। मज़मून तारीख का सबक नंबर 4 वैदिक तहजीब। वैदिक तहजीब में 5 नुकात दिए गए हैं। आज हम 2 नुकात के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक तहजीब में हम 1 वैदिक अदब, 2 खानदानी निज़ाम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इनके ज़रिए हम वैदिक तहजीब को समझेंगे। और इन नुकात को समझने के लिए हम अपनी 10वीं किताब की मदद से मुतालिया करेंगे। वैदिक अदब। वैद अदब पर मबनी तहजीब को वैदक तहजीब कहते हैं। वैद को कदीम तरीन अदब तस्लीम किया जाता है। कई ऋषि मुनियों ने वेदों को तख्लीक किया। वेदों के कुछ हमदिया हिस्से औरतों की जहनी व फिक्री काविशों का नतीजा हैं। यानी हम जो अदब पढ़ रहे हैं वैदिक अदब, ये सबसे कदीम तहजीब है। कदीम अदब तस्लीम किया जाता है और एक नहीं बल्कि कई ऋषि मुनियों ने इसे तख्लीक किया है। वैदिक अदब संस्कृत जबान में तख्लीक किया गया था, यानी ये संस्कृत जबान में लिखा हुआ अदब है। वैदिक अदब का सरमाया बेहद मालामाल है। ऋग्वेद को इस अदब की बुनियादी किताब समझा जाता है, यानी इसकी सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। ये किताब मंजूम है। मंजूम यानी ये किताब नज़मों में लिखी हुई है, नज़मों की शक्ल में लिखी हुई है। बशमुल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की किताब को संहिता कहते हैं। लफ्ज विद का मतलब जानना, लव्स विद का मतलब जानना होता है। इसी से इस्म वेद बना है जिसका मतलब जानकारी या इल्म होता है।
ज़बानी तौर पर याद करके वेदों को महफूज किया गया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद संहिता। ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा यानी तारीफ बयान करने के लिए तख्लीक की गई नज्म। किसी देवता की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए कई ऋचाओं को यकजा करके बनाए गए मजमुए को सूक्त यानी भजन कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में मुख्तलिफ देवताओं की तारीफ और तौसीफ करने वाले भजन हैं। तो प्यारे बच्चों, इस ऋग्वेद में आपको भजन मिलेंगे जो कि देवी देवताओं के लिए लिखे गए थे। यजुर्वेद संहिता। यजुर् संहिता में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ की रस्म में कौन से मंत्र कब और कैसे पढ़े जाएं, इसकी रहनुमाई भी इस संहिता में की गई है। संहिता मंजूम मंत्र और मंत्रों की नसरी वजाहत पर मुश्तमिल है। ये जो दूसरी किताब है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्रों का मजमुआ है और उनमें कुछ मंत्र मंजूम शक्ल में हैं और इसमें वजाहत भी की गई है। सामवेद संहिता। बाज यज्ञ रसुमात के वक्त सुर ताल में मंत्रों को गाया जाता था। वो मंत्र किस तरह गाए जाएं, उससे मुतालिक रहनुमाई सामवेद संहिता में की गई है। और प्यारे बच्चों, भारतीय मौसिकी की तख्लीक में सामवेद का बड़ा हिस्सा है। जैसा कि आप सुनते हो, आजकल भजन जो होते हैं वो सुरताल में गाए जाते हैं, वो सब सामवेद संहिता में लिखे जा चुके थे। अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता अथर्व नामी ऋषि के नाम से मौसूम है। अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी के कई मामलात को अहमियत दी गई है। जिंदगी में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ के इलाज का भी बयान है। इसी तरह इसमें कई अद्वियाती नबातात यानी जड़ी बूटियों की मालूमात भी दी गई है। राजा किस तरह हुकूमत करे, उसकी रहनुमाई भी इसमें की गई है। संहिताओं की तख्लीक के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद तख्लीक किए गए, उनका भी वैदिक अदब में शुमार किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली किताब को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर वेद की एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती है। आरण्यक। किसी अरनिया यानी जंगल में जाकर मुकम्मल यकसोई और तवज्जा के साथ किए गए गौर और फिक्र को आरण्यक ग्रंथ में पेश किया गया है। इसमें यज्ञ की रस्म अंजाम देते हुए किसी किस्म की गलती सरजद ना हो, इस बात की ताकीद की गई है। उपनिषद। उपनिषद के माने गुरु, उस्ताद। गुरु के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म है। हयात व ममात के वाकयात से मुतालिक हमारे जहन में बेशुमार सवालात सर उठाते हैं।
उन सवालों की जवाब हमें बआसानी नहीं मिलते। इस तरह के पेचीदा सवालों पर भी उपनिषद में बहस की गई है। चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णिक और उपनिषद की तख्लीक में तकरीबन 1500 बरस का अरसा लगा। उस अरसे में वेद के ज़माने की तहजीब में कई तब्दीलियां होती गईं। उन तब्दीलियों और वैदिक ज़माने की अवामी ज़िंदगी का मुतालिया करने के लिए वैदिक अदब ही अहम ज़रिया है। यानी हमें उस दौर की अवामी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात, तमाम मामलात और वैदिक अदब से ही हासिल होता है। अब हम देखेंगे कि वैदिक ज़माने में खानदानी निज़ाम कैसा था। खानदानी निज़ाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी। वैदिक ज़माने में मुश्तरका खानदान का चरण था। खानदान का कफ़ील कमाने वाला मर्द करता, घर का बड़ा यानी गृहपति हुआ करता था। उसके खानदान में उसके बूढ़े माँ बाप, छोटे भाई और उन भाइयों का खानदान, उसकी बीवी और बच्चे, उन बच्चों का खानदान भी शामिल हुआ करता था। इस खानदानी निज़ाम में मर्दाना तसल्लुत हुआ करता था। इब्तिदाई ज़माने में लूपा, मदुरा, गारुगी, मैत्री जैसी कुछ आलिम व फाजिल ख़वातीन का ज़िक्र वैदिक अदब में मिलता है, लेकिन धीरे धीरे औरतों पर पाबंदियाँ बढ़ती गईं और उनका आयली और माशरती मकाम सानवी हैसियत अख्तियार करता गया। मकानात। वैदिक ज़माने के मकानात मिट्टी या कुड़ के हुआ करते थे। घास या बेलों की मोटी मोटी टट्टियाँ बुनकर उन पर गोबर मिट्टी पोतकर तैयार की गई दीवार को कुड़ कहते हैं। उन मकानात के फर्श गोबर और मिट्टी से लिपे हुए होते थे। वो घरों के लिए गृह या शाला जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। इस तस्वीर में देखिए वैदिक ज़माने के मकानात दिखाए हुए हैं, किस तरह से उन्हें गोबर से लीप कर बनाया जाता था झोपड़ियों की शक्ल में। गिज़ा। वैदिक ज़माने के लोगों की गिज़ा में बतौर खास गेहूं, जौ, चावल जैसे अनाज शामिल थे। उन अनाजों से वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाया करते थे। वैदिक अदब में यो, गोधूम, विरीही जैसे अल्फाज पाए जाते हैं। यो यानी जौ बार्ली, गोधूम यानी गेहूं और विरीही यानी चावल, यानी कि वो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा के खाने में करते थे। दूध, दही, मक्खन, घी और शहद जैसी अशिया खुर्दनी उन्हें बेहद पसंद थी। उड़द यानी मांस की दाल, मसूर, तिल और गोश्त जैसी चीज़ें भी उनकी गिज़ा में शामिल थी। वो दूध, दही, मक्खन, घी और शहद इसका इस्तेमाल हमेशा करते थे और दालों में उड़द यानी मांस की दाल, मसूर, तिल और गोश्त जैसी चीज़ें उनकी गिज़ा में शामिल रहती थी। लिबास। वैदिक ज़माने के लोग ऊनी और सूती कपड़ों के लिबास इस्तेमाल करते थे। वलकले यानी दरख्तों की अंदरूनी छाल से बनाए हुए कपड़े भी इस्तेमाल करते थे। इसी तरह जानवरों की खालों को भी बतौर लिबास इस्तेमाल किया जाता था। औरतें और मर्द फूलों की मालाएं, तरह तरह के मनकों के हार
और सोने के जेवरात इस्तेमाल करते थे। निश्क नामी गले में पहना जाने वाला जेवर बतौर खास मकबूल आम था। इसका इस्तेमाल वो चीज़ों की खरीद व फरोख्त के लिए भी करते थे। निश्क सोने की मोहर को कहते हैं। गाना बजाना रक्स शतरंज रथों की दौड़ और शिकार उनकी तफरीह के जराए थे। बच्चों तुम्हारे क्या तफरीह के जराए हैं? तुम भी खेल खेलते हो ना, बहुत सारी मैदानी खेल जाकर आपके पीटी सर खिलाते थे जब स्कूल शुरू था, तो लंगड़ी है, कबड्डी है, दौड़ है, इस तरह की रेस लगाते थे। और घर में हम टीवी वगैरह भी देख लेते हैं, गेम वगैरह खेल लेते हैं, है ना, फिल्में देख लेते हैं। ये हमारे तफरीह के ज़राए हैं और कहीं घूमने भी चले जाते हैं। तो इन वैदिक ज़माने के लोग गाना बजाना रक्स शतरंज रथों की दौड़ और शिकार, इनके ज़रिए वो तफरीह हासिल करते थे। वीणा सितार झांझ और शंख उनके अहम साज थे। डमरू और मृदंग जैसे सुरताल के साज भी वो इस्तेमाल करते थे। इस तस्वीर को देखिए, उसमें वैदिक ज़माने के साज दिखाए हुए हैं। वीणा सितार झांझ डमरू और मृदंग वगैरह दिखाए गए हैं। आज के लिए इतना ही, पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो ये बेल बनी हुई है इसको आप प्रेस कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी हमने वैदिक तहजीब की जो मालूमात हासिल की है वो आपके जहन नशीन हो चुकी है। हमने वैदिक अदब और खानदानी निज़ाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की। इसके मुतालिक सबक के आखिर में जो मश्क है उसमें कुछ सवालात दिए गए हैं, खाना पूरी है, सही गलत है, जो भी आपको समझ में आता है उसके जवाब लिखिए और अपने क्लास टीचर को भेजिए चेक करने के लिए। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।